तुमने कहा ली है? ली तो हमने, ली तो हमने, ली तो हमने, ली तो हमने। कब से इंतजार कर रहा था मैं तुम्हारी गांड मारने का। चुपचाप मुझे अपनी गांड दे दो, वरना बहुत भयानक तरीके से गांड मारूंगा मैं तुम्हारी। ये क्या खेल रहे हो तुम? हाँ, सच कह रहा हूँ, आज भी मेरा लौड़ा उस पेड़ के पीछे खड़ा होता है। बचाओ, बचाओ, बचाओ भाई, क्यों? तुम इस जंगल से बिना गांड दिए नहीं जा सकते। देखो, जो भी मेरी गांड मत मारना, मुझे अच्छा नहीं होगा। क्या बात है, तुम्हारी गांड इतनी घबरा क्यों रही है? वो आत्मा मेरी गांड मारना चाहती है। आत्मा गांड मारना चाहती है। लगता है वो गांड मार दिया। बहन चोट आदि गांड, शायद आदि गांड जंगली जानवर खा गए होंगे। नहीं भोसड़ी, अगर किसी जानवर की वजह से इसकी मौत होती तो इसके शरीर पर नाखून और दांत के निशान भी तो होते। एग्जैक्टली वही तो बहन चोद, जानवर नहीं है सब, मगर इस जंगल में चोदू आत्मा है, उन्होंने इसकी गांड मारी है। चोदू आत्मा है। चुप भोसड़ी, इस लड़के की गांड किसी इंसान ने मारी है, मादर चोद इंसान ने मारी है। इसकी गांड को पहले तुमने ही देखा था ना? हाँ साहब, मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं गांड बचा के भाग लिया, नहीं तो यहाँ पर एक नहीं दो दो गांडे होती। और मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि अरे बच्चों, गांड, गांड, गांड। ये मुन्ना मादर चोद कह रहा था कि उसने इस लड़के को 3 दिन पहले देखा है, लेकिन इसकी गांड 3 दिन पुरानी मारी नहीं लगती, इसे 3 दिन पहले नहीं मारा है, हाल ही में पेला है। भोसड़ी, क्या हुआ है? तुम्हारा लंड उदास क्यों है? सर, लगता है झाटू के साहब हमेशा की तरह कहीं पॉन वीडियो देखकर मुट्टी मार के तो नहीं बैठे हैं? तो क्या हुआ, ऐसे तो होते ही रहता है। झाटू के मुट्टी मार के नहीं बैठा है फ्रेडी। तो फिर भोसड़ी के मुन्नाल की चुदाई हुई कब? 20 से 24 घंटे पहले। पर सर, मुन्नाल की तो 3 दिन से गांड फटी पड़ी है। वही तो बहनचोद, मतलब खूनी ने मुरनाल को कहीं पर 2 दिन के लिए गांड मारने से पहले बंद करके रखा था। अरे तेरी मैया, इतनी भयानक मौत, किसने मारी गांड? सर, उसी का पता करना है। हमारा यकीन कीजिए सर, मुरनाल की गांड मारने में हमारा कोई हाथ नहीं है। हाँ सर, हम लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, ये सब गंदी हरकतें हम सोच भी नहीं सकते। आखिरी बार कब मिले थे आप लोग मुरनाल से? तो 3 दिन पहले सर, खाना खाने के बाद हम लोग सब हिलाने चले गए थे। खाना खाने के बाद आप सब लोग हिलाने चले गए थे और मुरनाल जंगल में पहुंच गया जहां उसकी गांड फाड़ दी गई। कैसे? जसलोक, ये सीआईडी वाले आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने चूत नहीं मारी सर। अरे वाह, अभी तो हमने पूछा नहीं आपसे कि आपने चूत मारी है या नहीं। ये हरीश जी को नहीं, वो तो पिछले कई दिनों से कॉलेज नहीं आ रहे। सर कहीं हरीश जी जंगल में गांड मारने तो नहीं जा रहे थे? गांड मारने ही गए होंगे। इस जंगल का एक एक कोना छान मारो, अच्छी तरह से देखो, एक भी चीज बहनचोद बचनी नहीं चाहिए। जाओ। ये एसपी भैनकलन खुद तो कुछ करता है नहीं, हमसे एक एक चीज ढूंढवाता है। मादर चोद, संभल के। सर ये तो हरीश है। हरीश? लेकिन यहाँ तो किसी ने इसी की गांड मार दी। वही तो बहनचोद, जरूर हरीश मुन्नाल की गांड मारने वाले को जानता होगा, इसीलिए उसने हरीश की गांड मार के उसे रास्ते से हटा दिया। पर है कौन ये मादर चोद? ये कॉलेज मुड़बाजों के नाम से बहुत बदनाम रहा है सर। 3 साल पहले रैगिंग के दौरान एक प्रणय नाम के स्टूडेंट की किसी ने गांड मार ली थी सर। दया, इस कॉलेज में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ भैंचोद जरूर है। ये भैंचोद क्या है? ये बहन का लंड पिछले 2 साल से पढ़ाई में टॉपर सुमित। सुमित को जो मार्क्स मिले हैं वो उसकी पढ़ाई के लिए नहीं,
किसी की ठुकाई के लिए मिले हैं। सर 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 प्लीज मुझे मेरे पैसे दे दो। एक बार गांड मार लूं उसके बाद तुम्हें तुम्हारे कॉन्डम के पैसे मिल जाएंगे। दर्शन बेटा बिल्कुल मत घबराना, देखना तुम्हें पता तक नहीं चलेगा कि कब मैंने तुम्हारी गांड में लौड़ा घुसा दिया। ये सुल्तानी कॉन्डम बहुत बढ़िया है। आज तक आए मादर चोद, जरा अपना लौड़ा तो दिखाओ। मेडिकल कॉलेज के डीन मृणाल की गांड मारने के बाद तुमने उसकी गांड को गांड जलाऊ एसिड से जलाने का प्लान बनाया। वो गांड मारने के दौरान कुछ बच्चे घर पे शिकायत कर देते थे तो तुम बहुत बड़े मादर चोद हो। और सुमित, गांड मारने में तुमने मुकेश का साथ दिया, तुम दोनों के लंडों को तो फांसी ही होगी।